इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम पढ़ेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा। यह 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आज इसी चैप्टर से रिलेटेड हम 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। सबसे पहले टेंजेंट टू ए सर्कल को समझ लेते हैं कि क्या होता है वृत्त की स्पर्श रेखा। देखो बच्चों, आपने वृत्त तो कई एक बार खींचा होगा। ये वृत्त हो गया, इसमें इसको केंद्र बोलेंगे, बिल्कुल मध्य बिंदु। यहाँ से चारों तरफ कहीं भी मिलाएंगे तो दूरी सेम ही आएगा, जिसको कि त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हो गया, इसका अंग्रेजी रेडियस आर से सूचित करते हैं। चलिए, अब इस वृत्त पर बहुत से बिंदु हैं प्यारे बच्चों, बहुत से बिंदु हैं। इसमें कोई सिंगल बिंदु हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये बिंदु P है, ठीक है। और P से गुजरता हुआ एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, PQ। तो इस PQ को हम लोग कहेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल, ठीक है, मतलब वृत्त की स्पर्श रेखा। इसी लाइन का नाम है प्यारे बच्चों स्पर्श रेखा, यानी कि वह सरल रेखा जो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है, एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर टच करती है। P सिंगल पॉइंट है, उससे टच होकर यह लाइन जा रहा है, यह वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। चलिए, नेक्स्ट चीज आपको जानना है प्यारे बच्चों कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, इसका यह केंद्र है, और कोई ऐसी रेखा है जो वृत्त को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करे, P पर भी और Q पर भी, तब ना इसका नाम छेदक रेखा हो जाता है प्यारे बच्चों। तब इसका नाम क्या हो जाता है? छेदक रेखा, सेकेंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, सेकेंट, ठीक है। और स्पर्श रेखा को बोला जाता है टेंजेंट। चलो, अब तीसरी बात आपको जानना है कि ये कोई वृत्त है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये सेंटर है, सेंटर से कहीं भी मिलाइएगा तो त्रिज्या हो जाएगा, तो ये आपका त्रिज्या है R। और ये जो P पॉइंट है, इससे एक हम स्पर्श रेखा खींच दिया PQ, ठीक है। तो इस P बिंदु को ना, इस P बिंदु को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श बिंदु कहा जाता है प्यारे बच्चों, स्पर्श बिंदु। अगर कोई आपसे पूछता है कि स्पर्श बिंदु क्या होता है, तो बोलिएगा कि वृत्त और स्पर्श रेखा का जो कॉमन पॉइंट होता है ना, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो स्पर्श बिंदु हो गया। अब एक चीज़ याद रखना है कि ये जो स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली जो त्रिज्या होती है, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली जो त्रिज्या होती है वह टेंजेंट पर लंब होती है, यानी यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर केंद्र O है और टेंजेंट PQ है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल, एंगल OPQ, एंगल OPQ बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ O से Q को अगर हम मिला देते हैं, तो यहाँ पे हमको एक समकोण त्रिभुज मिलता है प्यारे बच्चों। ये जो त्रिभुज बना वह समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप सभी जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे। तो चलिए, आप लोग समझ गए कि क्या होता है स्पर्श रेखा। वह सरल रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर छूता है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, वह सरल रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है उसको छेदक रेखा यानी सेकेंड कहते हैं, ठीक है। एंड स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वह स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। चलो, तो इन्हीं बातों को आप ध्यान में रखेंगे, और अभी हम आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 20 टॉप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो निश्चित रूप से आपके नॉलेज को भी वृद्धि करेगा, और ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके 2024 बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से टकराएंगे भैया। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अभी हम आपको दिखाएंगे 20 का 20 ऑब्जेक्टिव। चलो, तो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। पहला प्रश्न है, ये लीजिए, क्रैश कोर्स में स्वागत है आप लोगों का। जी हाँ, 2024 के जितने भी 10वां क्लास के विद्यार्थी परीक्षा देने वाले हैं,
वो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा भाई, 4-5 नंबर का काम तो इस वीडियो से आपका हो ही जाने वाला है। क्लास 10th क्रैश कोर्स ब्रीथ की स्पर्श रेखा पार्ट 9, इसके पीछे पार्ट 8 तक अपलोड कर चुके हैं हम इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज पर। अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो खुशी की बात है, अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से इसके पीछे का 8 पार्ट तक आप वीडियो निश्चित रूप से देखेंगे। तो चलिए आज के लिए पहला प्रश्न, ब्रीथ की सबसे बड़ी जो जीवा है वह क्या कहलाती है? ध्यान से समझिएगा, मैं समझाऊंगा आपको कि ब्रीथ की जो सबसे बड़ी जीवा है वो क्या कहलाती है। फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए, ये ब्रीथ है प्यारे बच्चों, ये केंद्र है, तो ये भी जीवा है, 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 ये भी जीवा है। देखिए धीरे धीरे जीवा बढ़ रहा है, जीवा का लंबाई बढ़ रहा है, यहाँ पर केंद्र है और सबसे बड़ा जो जीवा है वो केंद्र से गुजरता है, फिर घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, यानी सबसे बड़ी जीवा जो है वो केंद्र से गुजरता है प्यारे बच्चों। ये हो गया सबसे बड़ी जीवा, और इसका स्पेशल नाम है प्यारे बच्चों व्यास, जिसको ना अंग्रेजी में डायमीटर कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? डायमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रीथ की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका जवाब आप लोग बता देना कि यह जो है ब्रीथ का व्यास होता है। तो चलिए फटाफट इसका आंसर लिख दीजिए, व्यास, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। कहता है कि किसी ब्रीथ के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, तो ब्रीथ की त्रिज्या कितनी होगी वो हम लोगों को बताना है। चलो भाई, तो इसका सॉल्यूशन भी आप लोग आराम से देख लो। कह रहा है एक ब्रीथ बनाइए, सबसे पहले तो एक ब्रीथ बना लीजिए आप। सॉल्यूशन 2 का आपको मिल रहा है, एक ब्रीथ बना लीजिए आप। अब कह रहा है कि ब्रीथ का केंद्र, यहाँ पे मान लीजिए कि केंद्र हो गया, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर चल जाइए, चल गए 5 सेंटीमीटर दूर, चल गए ये 5 सेंटीमीटर दूर चल गए, स्थित एक बिंदु है, कौन है? ए है। ए से ब्रीथ पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं, चलो भाई स्पर्श रेखा ये खींच दिया, तो मान लीजिए ये पीए स्पर्श रेखा हो गया, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गई। अब ब्रीथ की त्रिज्या पूछ रहा है, तो केंद्र से लेकर के यहाँ पी तक के बीच की दूरी को त्रिज्या कहेंगे, तो हमें ना ये आर निकालना है, आर बराबर व्हाट, इस चित्र में हमें ओपी निकालना है। तो चलिए भाई, अभी आपको बताया था मैंने कि ये जो त्रिज्या है और ये जो स्पर्श बिंदु है पी, तो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया, अब ये तो समकोण त्रिभुज बन गया, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण रहता है, तो कर्ण कितना हो गया? 5, तो 5 का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 25, आर स्क्वायर उतार दो, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 16 बराबर के पहले आएगा तो माइनस 16, तो 25 माइनस 16 बराबर आर स्क्वायर, 25 में 16 घटा तो 9 बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर 9 में रूट लग जाएगा ना, बराबर आर, इस तरह से 9 का वर्गमूल 3 बराबर आर यानी रेडियस 3 हो गया। तो बस 2 का आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख देना है 3 सेंटीमीटर, कितना लिखना है प्यारे बच्चों? 3 सेंटीमीटर। चलो 3 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? भाई ये तो आसान क्वेश्चन है, 3 नंबर अभी तो बताया, ये वृत्त है, ये केंद्र है, ये आपका कोई पॉइंट है, इससे कोई लाइन गुजर गया तो इसी को तो स्पर्श रेखा कहेंगे, तो ये तो एक ही बिंदु पर ना टच किया, तो बस कह रहा है कि कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो भाई इसका आंसर है 1, एक बिंदु पर स्पर्श करती है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग चलते हैं, 4 में चलते हैं, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है? वृत्त के केंद्र पर आइए 4 का सॉल्यूशन देख लीजिए, ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है, तो देखिए यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, देखिए तो एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, फिर एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे तो पूरा 360 डिग्री का कोण बन गया, तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने अंश का होता है? तो 360 अंश, अंश माने डिग्री होता है, ठीक है, 360 अंश का होता है, यानी अंश को ही अंग्रेजी में डिग्री कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के पास हम लोग पहुँचते हैं प्यारे बच्चों, 5 नंबर सवाल कुछ ऐसा है आप लोगों का, ठीक है,
देखिएगा ध्यान से। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA किसके बराबर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, इस पर ध्यान दीजिएगा, डिटेल समझा रहा हूँ आप लोगों को, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाला एक वृत्त बना लीजिए आप, चलो भाई ये O केंद्र वाला एक वृत्त मेरा बन चुका है। अब केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है बिंदु P से, तो चलो P कोई यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से PA एंड PB ठीक है स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, यानी दोनों स्पर्श रेखा 80 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर। चलो अब कह रहा है कि कोण POA, तो यहाँ पे सेंटर O है, तो O से A को मिलाइए और O से B को मिलाइए एंड POA यहाँ OP को भी मिलाना पड़ जाएगा आपको, तभी तो ये कोण आप निकाल पाएंगे। POA जहाँ पे व्हाट लगाया हूँ ना, यही निकालना है आप लोगों को। चलिए तो आप ध्यान से समझिएगा भाई इसका सोल्यूशन को। सबसे पहले तो ये को 90 डिग्री है, क्योंकि त्रिज्या जो स्पर्श बिंदु से होकर गुजरती है वो तो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये तो 90 डिग्री का कोण हो गया प्यारे बच्चों। और इधर इसमें भी 90 डिग्री का कोण हो गया, सेम बात। अच्छा ये आर, तो ये आर ठीक है, और ये आपका कर्ण है, तो ये आपका कर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि वृत्त के बाहरी बिंदु से हम दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जिसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, तो ये भुजा इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके बराबर हो गया, एक एक को 90 डिग्री हो गया। तो भाई इन दोनों त्रिभुजों में, यानी कि त्रिभुज OBP तथा त्रिभुज OAP में ठीक है, आपका लग रहा है कौन सा नियम, RHS सर्वांग समता प्रमेय लग रहा है। दोनों में एक एक को 90 डिग्री है ठीक है, तो ये R का मतलब हो गया राइट एंगल, H माने हाइपोटेनस होता है कर्ण, इसका कर्ण के बराबर है, S माने साइड, इस त्रिभुज का एक साइड इस त्रिभुज के एक साइड के बराबर है ठीक है। तो चलिए RHS सर्वांग समता प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो ये पूरा कोण आपका 80 डिग्री का है, तो ये 40 डिग्री हो गया, फिलहाल ये भी 40 डिग्री हो गया, तो ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कोण निकालना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोखल 180 डिग्री होता है ना प्यारे बच्चों, तो चलो ना त्रिभुज POA में क्या करना है, लिखना है 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ये पूरा 80 था, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये तो 40 हो गया ना, तो 90 प्लस 40 ये निकालना है, उसको लिख दो POA जो निकालना है, POA बराबर 180 डिग्री एंड 90 में 40 जोड़िएगा तो 9 × 4 = 13 130 डिग्री होगा, प्लस में कोण POA बराबर 180 डिग्री एंड 130 बराबर के बाद जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आपको POA बराबर 180 माइनस 130 घटाइएगा तो 0, 8 में से 3 घट के 5, 50 डिग्री भाई, 50 डिग्री हो गया इसका आंसर, तो 5 का आंसर हो गया आपका 50 डिग्री। तो अच्छा से समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है कि आप लोग जरूर समझे होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बट इसमें थोड़ा सा दमखम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो हमारा अगला प्रश्न है 6, क्या बोलता है, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है भाई, बराबर होती है। चलो तो इसको भी यहाँ पे आप लोग समझ लो, 6 का सोल्यूशन ये है आपका वृत्त, कहा कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई हाँ दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन संबंध होता है, तो चलो कोई बाहर में एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ दो स्पर्श रेखा खींच देते हैं, तो ये दोनों का लंबाई समान होता है प्यारे बच्चों, तो कौन सा संबंध होता है, तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है, तो समान।
दोनों का लंबाई समान होता है या बराबर लिख सकते हैं, समान या बराबर अंग्रेजी में इक्वल लिख सकते हैं, दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। एंड सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, यदि तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, त्रिज्या कितना 3 सेंटीमीटर और दो स्पर्श रेखा के बीच का कोण 60 डिग्री। चलो तो सात का सोल्यूशन आप लोग देखेंगे, ये रहा आपका वृत्त, इसका त्रिज्या आपका कह रहा है त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। चलो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर एंड जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है प्यारे बच्चों वो 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं, ये 60 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। अब हम लोगों को कुछ नाम भी दिया है पॉइंट वगैरह नहीं तो अपने मर्जी से ले लो। चलो ये केंद्र ओ ए बी एंड ये पी, अब हमें करना क्या है, निकालना किसका लेंथ है, इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है। चलो भाई तो दोनों स्पर्श रेखा तो लंबाई में सेम ही होगा क्योंकि किसी भी बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दोनों की लंबाई बराबर होती है, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। अब कैसे निकालेंगे, देखो एक रचना करते हैं, P से प्यारे बच्चों हम O को मिला देते हैं तो त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है बशर्ते कि वह स्पर्श बिंदु से जाए, तो यहाँ भी वही बात है, ये दोनों तो 90 डिग्री का कोण हो गया भाई। चलो अब x का मान निकालना है, अब देखो यहाँ ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर, इसका ये x तो इसका ये x है ना, एंड एक 90 डिग्री का तो एक 90 डिग्री का, यानी यहाँ भी RHS सर्वांग समता प्रमेय लग रहा है, RHS सर्वांग समता प्रमेय लग रहा है, उससे आपका त्रिभुज OAP ये सर्वांग सम का चिन्ह है, त्रिभुज OBP ठीक है, OBP सर्वांगसम हो गया, तो पूरा कोण 60 डिग्री था ना प्यारे बच्चों, तो इतना 30 डिग्री होगा और इतना भी 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा, इसीलिए लिखो कोण OPA, कोण OPA बराबर कितना 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है। अब हम लोग त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगा देते हैं, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, पढ़ें आप लोग टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार कहाँ, तो त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में ठीक है, देख लीजिए OPA में, तो 90 के सामने वाला ये OP कर्ण है ठीक है, और ये 30 डिग्री के सामने थीटा के सामने ये लंब है, ये आधार हो गया, तो हम टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार लगा दिए, टेन का टेन, थीटा का वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 डिग्री है बुआ, और लंब थीटा के सामने ही रहता है तो 3 एंड आधार, तो आधार हो गया प्यारे बच्चों आपका x, तो यहाँ पर x लिख दीजिए एंड टेन 30 डिग्री का मान डालिए, 1/√3 एंड 3/x क्रॉस गुना करिएगा तो x एकम x और 3 में √3 से तो 3√3, तो x का मान निकल गया और x ही तो हमारा स्पर्श रेखा था, तो स्पर्श रेखा हो गया आपका 3√3, यही आपका सही ऑप्शन होगा भाई 3√3, प्रत्येक स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो है 3√3 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे दिया गया है ओके, तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस R का मान निकालना है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फिगर देख लीजिए, यहाँ पे त्रिज्या निकालना है, यहाँ पे Q बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर दी गई है और Q बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर आपको दी गई है। देखिए 25 सेंटीमीटर जो दूरी दी गई है वह Q
क्यू की केंद्र से, तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे केंद्र है, तो 25 सेंटीमीटर एंड ये तो त्रिज्या निकालना ही है, और ये स्पर्श रेखा 24 सेंटीमीटर, और ये त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लंब है क्योंकि स्पर्श बिंदु P से होकर जा रही है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। 90 डिग्री के सामने ये वाला कर्ण है, 25 सेंटीमीटर कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 625 न बराबर आर स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर 576। चलिए अब 625 अपना जगह पर, प्लस 576 पहले आएगा, तो माइनस में 576 बराबर कितना आर स्क्वायर, 5 में से 6, 15 में से 6 घटेगा तो 9, एंड यहाँ पे 1 यानी 11 में से 7 तो 4, और ये तो कट गया, यानी 625 में 576 घटेगा तो 49 बराबर आर स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर हट गया तो इधर 49 पे रूट लग गया, और 49 का वर्गमूल तो सबको मालूम है कि 7 होता है, तो R बराबर 7, यानी कि त्रिज्या प्यारे बच्चों आपका निकल कर आ गया है 7 सेंटीमीटर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण प्यारे बच्चों होता है समकोण या 90 डिग्री, जो ऑप्शन रहे उसमें आप लोग टिक मार दीजिएगा। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 90 डिग्री या समकोण, जो कहिए कोई एक ऑप्शन रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे 9 का सोल्यूशन देखिए, ये आपका वृत्त हो गया, ये आपका व्यास हो गया, तो व्यास जो है वृत्त को दो भागों में बांट दिया बराबर बराबर, तो ये भी अर्धवृत्त, वो भी अर्धवृत्त, तो अब इस अर्धवृत्त में अगर कोई आप कोण बनाइएगा, अर्धवृत्त में ये कोण जो बनाइएगा तो यहाँ 90 डिग्री का होगा, ये तो 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ए भी व्यास है, ओ केंद्र है, और ये पी कोई वृत्त पर बिंदु है, तो ये वाला जो कोण है अर्धवृत्त में बना कोण है जो कि 90 डिग्री के बराबर होता है। चलिए 9 नंबर तो क्लियर हो गया, 10 नंबर सवाल में आप लोग आ जाए, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, तो बाहरी बिंदु से तो आप मात्र 2 ही स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, ये बाहरी बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो इसका आंसर हो गया कितनी होगी, तो इसका आंसर हो गया 2 होगी। 11 नंबर सवाल में आ जाइए प्यारे बच्चों आप लोग, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। चलो भाई वृत्त की त्रिज्या निकाल के बताते हैं, इसमें भी आपको R का मान निकालना है, 11 का सॉल्यूशन आप लोग देख पा रहे हैं। आइए पहले तो एक वृत्त बना लीजिए फटाफट, वृत्त के केंद्र से, यहाँ पे केंद्र हो गया वृत्त का, ये केंद्र हो गया, 13 सेंटीमीटर दूर, चल जाइए 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, यहाँ पे स्थित बिंदु P है और सेंटर O है, से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये आपने स्पर्श रेखा खींच दिया, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या है आपका OQ, R का मान आपको निकालना है, ये 90 डिग्री का कोण है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, बशर्ते कि वह त्रिज्या स्पर्श बिंदु से भी गुजरे, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, ठीक है, तो चलिए भाई कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर 169 हुआ, आर का स्क्वायर अपने जगह पर, 12 का स्क्वायर 144 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है 144। अब इस समीकरण को आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, तो प्लस 144 इधर आएगा बराबर के पहले, तो माइनस में 144 हो जाएगा, एंड 144 आप घटा दीजिए, 144 को क्या करना है आपको घटा देना है 169 में से, तो आपको 25 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको 25 मिल जाएगा, एंड बराबर के बाद कितना आर स्क्वायर, स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो इस तरह से रूट में 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, तो 11 का आंसर हो गया प्यारे बच्चों 5 सेंटीमीटर, ठीक है 11 का आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। चलिए 12 नंबर सवाल में आ जाइए आप लोग, 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, यस
किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई है। यदि PA 4 सेंटीमीटर है तो PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसमें क्या कहना है भाई, दोनों स्पर्श रेखा तो बराबर ही होता है। 12 देखिए यहाँ पे ये वृत्त हो गया है, कह रहा है कि बाह्य बिंदु P से, तो यहाँ पे आप P बिंदु बाहर में ले लो, यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये हो गया, एक स्पर्श रेखा ये हो गया, तो एक का नाम दे देना है पी ए, एक का नाम दे देना है पी बी। तो कह रहा है कि पी ए का जो है 4 सेंटीमीटर लेंथ है, तो पी ए ये तो 4 सेंटीमीटर हो गया ना, तो ये भी तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। बस तो सिंपल था, बात खत्म हो गया। 13 नंबर सवाल में आप लोग आ जाइए, 13 नंबर सवाल को समझते हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों, एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, बात समझिएगा। दो समांतर रेखा पहले तो खींच लीजिए आप, ये रहा दो समांतर रेखा। समांतर रेखा को अंग्रेजी में पैरेलल लाइंस कहा जाता है, पैरेलल लाइंस कहा जाता है। आपस में ये कभी भी टच नहीं होती है, समान दूरी से ट्रैवल करती है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, ये आपका डिस्टेंस है 14 सेंटीमीटर। चलिए अब एक वृत्त दोनों स्पर्श रेखाओं को दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। चलिए तो एक वृत्त बना लीजिए, देखिए ये दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है। चलिए तो ये भी एक बिंदु से टच होकर जा रहा है, ये भी एक बिंदु से टच होकर जा रहा है, तो इसका मतलब दोनों स्पर्श रेखा हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, तो ये तो व्यास हो गया, एक व्यास में तो व्यास भी तो 14 के बराबर होगा। देख लो ये 14 है तो ये भी तो 14 होगा। तो भैया आपका डायमीटर दिया हुआ है 14, और डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2R, क्षेत्रमिति में पढ़े हैं, डी बराबर 2R बराबर 14, और 2 × 14 कट गया तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। तो चलिए भाई 13 का आंसर है वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो जवाब है 7 सेंटीमीटर। एंड 14 नंबर सवाल देख पा रहे होंगे, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो रेखा क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा। ये तो शुरू में ही आपको बता दिए, जो रेखा वृत्त को एक बिंदु पर टच करती है उसको स्पर्श रेखा कहते हैं, इसको अंग्रेजी में टेंजेंट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा होती है। आइए समझते हैं, ये वृत्त हो गया, इसका व्यास ले लीजिए, ये व्यास भी हो गया, चलिए इसी पर केंद्र होगा कहीं। चलो दोनों किनारे, एक किनारा ए है एक किनारा बी है, दो को किनारा हो गया ए और बी से खींची गई स्पर्श रेखा। लो एक स्पर्श रेखा इधर से खींच दो, एक इधर से खींच दो, चलो स्पर्श रेखा। अब ये दोनों में हमेशा क्या होती है देख लो, ये तो कभी भी आपस में ना मिलेंगी, तो ये तो समांतर होती है भाई, कभी भी आपस में न मिलेगी तो समांतर होती है। तो चलो इसका आंसर आप ऑप्शन तलाश लेना, समांतर यानी पैरेलल। चलो भाई 16 नंबर सवाल में आ जाओ, यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी। चलो कितनी होगी देख लीजिए, इसका सोल्यूशन 16 का सोल्यूशन देख पा रहे हैं आप लोग। कह रहा है कि दो वृत्त है एक दूसरे को बाहर से छू रहे हैं, तो चलो भाई एक वृत्त ये हो गया, दूसरा वृत्त ये हो गया, देखिए बाहर बाहर से ही छू रहे हैं। अब दोनों वृत्त से एक साथ गुजरने वाली स्पर्श रेखा, तो एक साथ गुजरने वाला स्पर्श रेखा तो यही है भाई, यही है स्पर्श रेखा, जो इस वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा है और इस वृत्त, ये मान लो केंद्र ओ है, ये आपका ओ डैश है, तो ये पी बिंदु है, तो पी क्यू जो स्पर्श रेखा है वह इस वृत्त के लिए भी है, इस वृत्त के लिए भी है, तो ओनली वन, सिर्फ एक ही हो सकता है ऐसा, तो एक आंसर हो गया इसका। सभी वृत्त होते हैं, कैसे होते हैं भाई, सभी वृत्त समरूप होते हैं, चाहे जितने वृत्त खींच लो सभी वृत्त समरूप होते हैं, कितना भी छोटा बड़ा त्रिज्या ले लो, दुनिया में जितना भी वृत्त है वो सब समरूप होते हैं, तो यहाँ पे समरूप में आप टिक लगाएंगे। चलिए 18 नंबर सवाल में आ जाइए, कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों लंब यानी कि ऊंचाई के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों किसी त्रिभुज में चलिए भाई मिलान बिंदु, चलिए आइए देखते हैं, ये रहा आपका त्रिभुज, इसका नाम रखो ए बी सी,
ए से लंब डाल दो आप बी सी पे, बी से लंब डाल दो ए सी पे, एंड सी से लंब डाल दो ए बी पे। तीनों ऊंचाई हो गया। अब तीनों का जो ये मिलान बिंदु है, ठीक है, इसका नाम लंब केंद्र होता है प्यारे बच्चों। इस पॉइंट का नाम लंब केंद्र होता है। तो याद रखेंगे 18 का आंसर हो गया लंब केंद्र, लंब केंद्र कहते हैं इसको। 19 नंबर सवाल में आ जाए प्यारे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है, यानी कि त्रिज्या दे दिया गया, आर का मान आपको दिया गया है, समझिएगा। 19 का सॉल्यूशन, एक वृत्त है आपके पास, क्या क्या जानकारी दिया गया है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। लो भाई त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गया, ये त्रिज्या हो गया, ओ से पी के बीच की दूरी। अच्छा, त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ है, चलो स्पर्श रेखा PQ है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, OQ बराबर आपका 12, OQ बराबर कितना दिया गया है 12, तो PQ की लंबाई क्या होगी, तो PQ की लंबाई क्या होगी, यानी कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो चलो प्यारे बच्चों, ये तो 90 डिग्री का कोण होता है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड x का स्क्वायर अपने जगह पर रहेगा, 25 घट जाएगा इधर 144 में से, तो कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा, बराबर x स्क्वायर, एंड स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा 119 में, तो x का मान निकल गया, तो इसका आंसर हो गया √119। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के लिए प्यारे बच्चों, ये है लास्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में कोण OPA 35 डिग्री है, OPA ये 35 डिग्री का कोण आपको दिया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों, और एंगल AOP, एंगल AOP का मान निकालना है। तो सभी लोग जानते हैं कि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है, तो ये कोण हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं, तो बस इसी जगह इसका सोल्यूशन दिखा देता हूँ मैं। x प्लस 90 डिग्री प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 में 35 जोड़िए, तो x प्लस, ठीक है, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 9 3 12 125 बराबर 180 डिग्री, एंड इस तरह से x इक्वल टू 180 डिग्री, एक प्लस 125 बराबर के बाद माइनस 125 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5, एंड इधर 7 में से 2 घटेगा तो 5, 55 डिग्री। तो बस इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों 55 डिग्री। तो चलिए आज का ये वीडियो आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, कि वीडियो में वृत्त की स्पर्श रेखा का मतलब समझाते हुए उससे रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया। तो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप बताइएगा जरूर। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। Thank you.